मॉर्निंग बच्चों, 16.2 में आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखना ध्यान से। आपको इसमें क्या दे रखा है? एक होलो सिलेंडर दे रखा है बेटा। उस होलो सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो, मैंने आपको होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया उन फॉर्मूलेज में नहीं लिखवाया था, तो आपको मैं बता देता हूँ। एक होलो सिलेंडर जो होता है, खोखला सिलेंडर जिसे बोलते हो आप, ठीक है, एक होलो सिलेंडर जिसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट नहीं हो, मतलब खुला हुआ, ठीक है ना, फूकनी बोल सकते हो आप, सबके घरों में होगी फूकनी, तो आपने देखी होगी, ठीक है। तो उस होलो सिलेंडर का टी एस ए क्या होता है बेटा? 2π ब्रैकेट एच आर वन प्लस आर टू प्लस ब्रैकेट ऑफ आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर। ये होलो सिलेंडर का बेटा टी एस ए होता है। आपको आज एक नई चीज़ सीखने को मिली है। अच्छा, गिवन में मेरे को दे रखी है इस होलो सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा? 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर दे रखा था बेटा इसका 14 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमीटर है तो रेडियस आधी हो जाएगी। इसकी थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा देखो, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी? आउटर रेडियस हमेशा क्या होती है? थिकनेस प्लस इंटरनल रेडियस। आउटर रेडियस क्या होती है बेटा? थिकनेस प्लस इंटरनल रेडियस। तो थिकनेस तो 2 है और इंटरनल रेडियस 7 है, तो आउटर रेडियस कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला है, R1 मैंने 9 मान ली, R2 मैंने 7 मान ली, ठीक है। H की वैल्यू आपके पास 26 है। ये देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करके जब मैंने कैलकुलेशन की तो मेरा आंसर कितना आया बेटा? 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।